अभी मैं आ चुका हूँ बस्तर के एक गांव में। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरह से लोग रहते हैं, उनके घर कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ देखने के लिए चलिए चलते हैं। बनी मेरे साथ है जो हमें दिखा रहा है ये यहाँ का लोकल लोकल। वैसे हमने कल का दिन मिस कर दिया, कह रहा था कि कल यहाँ पे मार्केट लगती है। वैसे हर यहाँ पे जब भी आप अदर स्टेट्स में आ जाते हो, झारखंड छत्तीसगढ़ या फिर बिहार में आ जाते हो, तो आपको मार्केट मिलती है, स्पेशल डे वाइज डे, गांव वाइज गांव मार्केट रहती है। और यहाँ पे जो नॉर्मल घर भी रहते हैं, जैसे हमारे वहाँ पे ईंटों के घर बनते हैं, तो यहाँ पे बनते हैं इन पत्थर के। आप पत्थर देख रहे होंगे किस तरह से ये पत्थर है, ठीक हो? चलिए मैं आ चुका हूँ, अभी एक घर दिखाने जा रहा हूँ। मैं घर दिखा सकता हूँ? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से घर रहते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। तो अभी फिलहाल मैं एक बार आपको घर दिखा देता हूँ। ये आपको टाइल्स इस तरह से मिलती है और पत्थर वही सेम वैसा रहेगा, जिस तरह के ये साइड में पत्थर है इसी के ऊपर प्लास्टर कर देते हैं या फिर बीच में मिट्टी वगैरह डाल देते हैं। नॉर्मल ये आंगन रहता है सेम, और यहाँ पे गाड़ी वाड़ी अगर पार्क करने के लिए रही तो फिर उसके बाद किचन विचन, और ये छोटा सा मंदिर या फिर जिस तरह से तुलसी लगा रखी है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो मैं घर दिखाता हूँ, आपको नीचे होके जाना पड़ेगा क्योंकि हाइट अगर ज़्यादा है तो चप्पल फोड़ लेता है। यहाँ पे ऐसे रहते हैं घर, बिल्कुल स्पेस कम है, ज़्यादा हाइट के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। आपको किचन भी अंदर ही मिल जाएगा, इस तरफ किचन है और ये छोटी सी अगर मैं कहूँ कि ये लॉबी है, और यहाँ पे एक आपको छोटा सा बेडरूम मिल जाता है, यहाँ पे एक छोटा सा बेडरूम मिल जाता है। इसी तरह सेम दूसरी साइड पे भी घर होगा। सेम ऐसे ही घर रहता है, दूसरी तरफ भी सेम ऐसा ही। आंटी दूसरी तरफ भी ऐसा ही है, दूसरी तरफ भी आपको सेम ऐसा ही रहता है, मतलब थोड़ा कम स्पेस है मगर गर्मियों में ठंडा रहता है ये। और ये रहा इस साइड भी एक आंगन। यहाँ पे भी, और ये पानी वानी ये सारी चीजें, ठीक है आंटी जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने आपको घर दिखा दिया किस तरह का घर है, यहाँ पे किस तरह से रहते हैं, मगर मैं यहाँ से भी काफ़ी डीप जब जाता हूँ ना जंगल में, जहाँ पे काफ़ी नक्सल से प्रभावित एरिया है बीजापुर वाली साइड में, वहाँ पे आपको और सारा कल्चर दिख जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे ये थोड़ा सा एडवांस आ जाएगा, तो वहाँ पे कोशिश करेंगे जब भी वहाँ जाने होगा तो ज़रूर मैं वहाँ का कल्चर भी आपको दिखाऊंगा। वैसे आज मैंने मिस कर दिया क्योंकि बैनी भाई कह रहा था कि फ्राइडे को मार्केट रहती है, यहाँ पे जो कल्चर डांस या पूजा जिस तरह से भी करते हैं वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, फ्राइडे को यहाँ पर मार्केट लगती है। तो चलिए अब यहाँ से गाँव से निकलते हैं, फिर चलते हैं शहर की ओर।